हाय हेलो बच्चों, मैं हूं हेमंत शर्मा और आज आपके लिए इस पेपर में हम आपके लिए लेके आए हैं आर्मी ट्रेड्समैन का। ठीक है, तो देखेंगे आर्मी ट्रेड्समैन का ये पेपर जो है, ठीक है, अध्याय पेपर। ठीक है, पेपर सेट नहीं है और पेपर सेट फोर्थ है। ठीक है, कौन सा है? पेपर सेट फोर्थ है। इसमें देखेंगे ये आर्मी ट्रेड्समैन वालों के लिए, किसके लिए? आर्मी ट्रेड्समैन वालों के लिए बहुत ही अच्छा पेपर है। ठीक है, तो आप लोग इससे तैयारी करें क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए आपके लिए। ठीक है, तो इसमें हम आपके लिए 35 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, कितने कराने वाले हैं? 35 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि जीके और जीएसके क्वेश्चन है सभी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो कि हमारी आने वाली वीडियोज और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो देखेंगे इसमें ये जो हमारा आर्मी का जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, तो ये कौन सा है हमारा? ये फोर्थ प्रैक्टिस सेट है। कौन सा है? फोर्थ है। इसमें हम आपके लिए बताएंगे, फोर्थ प्रैक्टिस सेट है ये। अब इसमें हम आपके लिए बताएंगे क्या कि जो जीके जीएस के जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, जीके जीएस के जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, देखेंगे ये दिया है पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और सभी बच्चे आंसर देंगे। ठीक है, तो पहला बताएंगे कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें, जल्दी से। तो देखेंगे हम बताते हैं इसमें जो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले जो व्यक्ति थे सर्वप्रथम, वो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, भानु अथैया। ठीक है, भानु अथैया जो थी ये महिला थी। ठीक है, ये महिला थी भानु अथैया। इन्होंने जो है साल 1983 में, ठीक है, कितने में? साल 1983 में ये पुरस्कार पाया था। ठीक है, कितने पाया था? साल 1983 में ये पुरस्कार पाया था। इनका जो समारोह था, ये पहला समारोह जो है ऑस्कर पुरस्कार का जो पहला समारोह था वो कब हुआ था? अगर इनके समारोह की बात करें तो इनका पहला समारोह है वो कितने हुआ था? 16 मई 1929 में हुआ था। कितने हुआ था? 16 मई 1929 में हुआ था। ठीक है, 16 मई 1929 में हुआ था ये पहला समारोह। ठीक है, और ये बता दें कि इनका जन्म जो है, भानु अथैया का जन्म कब हुआ था? भानु अथैया का जन्म भी कब हुआ था? 28 अप्रैल सन 1929 में हुआ था। कितने में हुआ था? 28 अप्रैल सन 1929 में। ठीक है, इनका जन्म भी इतने में हुआ था। ठीक है, बट क्या हुआ कि ये जो है ऑस्कर पुरस्कार जो है ये कब से कब, कौन से समारोह से चालू हुआ था? 16 मई 1929 से चालू हुआ था। ठीक है, और इन्हें दिया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम इन्हीं को मिला था, भानु अथैया को। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपकी स्क्रीन पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगने वाला है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, दिया है, सभी लोग आंसर देंगे इसका, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है इसमें, कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है। सभी बच्चे बताएंगे कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। तो देख लेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है, इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट रहने वाला है, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन की बात करें तो जॉर्ज वाशिंगटन का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 22 फरवरी 1732 में हुआ था। इनका जन्म की बात करें, इनके जन्म की बात करें तो 22 फरवरी 1732 में हुआ था। कब हुआ था? 22 फरवरी सन 1732 में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म। और अगर हम इनके मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 14 दिसंबर सन 1799 में हुई थी। ठीक है, 14 दिसंबर, ठीक है, मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 14 दिसंबर सन 1799 में, ठीक है, सन 1799 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर हम इनकी बात करें कि इन्होंने पद ग्रहण कब किया था, ठीक है, अगर हम इनके पद ग्रहण की बात करें, अगर हम इनके पद ग्रहण की बात करें
तो इन्होंने पद कब ग्रहण किया था? 30 अप्रैल सन 1789 में किया था। कितने में किया था? 30 अप्रैल सन 1789 में, ठीक है। कब किया था? 30 अप्रैल सन 1789 में इन्होंने पद ग्रहण किया था। अगर पद ने त्यागने की बात करें कि इन्होंने पद कब छोड़ा था, तो 4 मार्च सन 1797 में छोड़ा था। कितने में छोड़ा था? पद त्याग की बात करें तो इन्होंने पद त्याग कब किया था? तो 4 मार्च सन 1797 में, ठीक है। कितने किया था? 4 मार्च सन 1794, ठीक है। इतने में इन्होंने क्या किया था? सॉरी, सन 1797 इसमें क्या किया था? इन्होंने पद को त्याग दिया था, ठीक है। अगर हम बात करें कि इस समय वाशिंगटन, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन, यानी कि इस समय अमेरिका के, वर्तमान समय में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन, ठीक है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें कि वर्तमान समय में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, तो माइक पेंस, ठीक है। कौन है? माइक पेंस। वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगर हम वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति की बात करें तो इसमें कौन है? माइक पेंस। कौन है? माइक पेंस जो है वो इसमें वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करें कि इसमें वर्तमान राष्ट्रपति कौन है यहाँ की, ठीक है, अगर हम बात करें वर्तमान राष्ट्रपति की, तो यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति इसमें कौन है? तो यहाँ के हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, तो इनका जन्म सन 1946 में हुआ था। कब हुआ था? इनके जन्म की बात करें तो जन्म इनका सन 1946 में हुआ था, ठीक है। अगर हम इनके पद ग्रहण की बात करें कि इन्होंने पद ग्रहण कब किया था, तो 20 जनवरी सन 2017 में किया था। कब किया था? 20 जनवरी सन 2017 में, ठीक है। 20 जनवरी सन 2017 में इन्होंने पद ग्रहण किया था, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, जल्दी से अपने दोस्तों के लिए शेयर करिएगा वीडियो को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आया हुआ है, दिया है तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में, ठीक है। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है, तो जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है इसमें। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वह क्या रहने वाला है, जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हमारा राइट आंसर होगा। क्यों होगा? महाराष्ट्र जो है वो एक प्रदेश है, ठीक है, भारत का एक प्रदेश है महाराष्ट्र, ठीक है। तो अगर हम बात करें महाराष्ट्र, ठीक है, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वो किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र के कौन से जिले में है? महाराष्ट्र के पालघर जिला में, ठीक है, महाराष्ट्र के पालघर जिले में, ठीक है। कहाँ है? महाराष्ट्र के पालघर जिले में है। महाराष्ट्र जो है वो कौन से देश में पड़ता है? वो भारत में पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र भारत में पड़ता है। और महाराष्ट्र के पालघर जिले में क्या है? परमाणु, ठीक है, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इस परमाणु ऊर्जा स्टेशन की ऊंचाई, ठीक है, अगर इस परमाणु ऊर्जा स्टेशन की ऊंचाई की बात करें, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई हो जाएगी 10 मीटर, ठीक है, कितनी है? 10 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर हम बात करें कि पालघर जिले की जो जनसंख्या है, अगर हम बात करें पालघर, ठीक है, अगर हम बात करें पालघर जिले की, ठीक है, तो पालघर जिले की जो जनसंख्या है
अगर हम यहाँ की जनसंख्या की बात करें जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 6962, कितनी है, 6962, ठीक है, इतनी यहाँ की जनसंख्या है। अगर हम बात करें यहाँ की भाषा की, ठीक है, तो यहाँ की भाषा वो है, वो कैसी है, अगर भाषा की बात करें, भाषा की यहाँ की क्या, यानी कि पूरे महाराष्ट्र की भाषा की अगर बात करें तो ये भाषा कौन सी हो जाएगी, मराठी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, मराठी भाषा बोली जाती है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये निर्माण कब हुआ था, ठीक है, तो इसका निर्माण जो है, अगर हम निर्माण की बात करें, ठीक है, तो इसका निर्माण कब हुआ था उसको देख लेते हैं, तो इसका निर्माण सन 1961 में हुआ था, कब हुआ था, सन 1961 में, ठीक है, कब हुआ था, सन 1961 में हुआ था। और यह जो है यह विदेश का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहा जाता है, ठीक है, यह क्या है, यह विदेश का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ठीक है, यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको और जरूर देखे जाइए, क्योंकि आपका जीके जीएस से यहां से कुछ अलग नहीं आने वाला है। अगर आप आर्मी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर पढ़िएगा, जीके जीएस को जरूर देखिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सभी। तो जल्दी से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के लिए, सभी को बताइएगा कि क्लास आर्मी ट्रेड्समैन का चल रहा है, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिडनाइट चिल्ड्रंस नामक पुस्तक किसने लिखी, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रंस नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसमें राइट आंसर क्या रहने वाला है, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर इसमें कौन सा रहने वाला है। तो इसमें देखेंगे, इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ठीक है, इसमें जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट रहेगा, ठीक है, सर अहमद सलमान रुश्दी, इनका पूरा नाम क्या था, सर अहमद सलमान रुश्दी, ठीक है, यह इनका राइट आंसर यानी कि राइट नाम था, पूरा नाम था, अगर हम बात करें पूरे नाम की, ठीक है, तो इनके पूरा नाम सर अहमद सलमान रुश्दी या रुश्दी, ठीक है, रुश्दी लिख दो, चलो रुश्दी, ठीक है, तो सर अहमद सलमान रुश्दी। अगर हम इनके जन्म की बात करें, ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, 19 जून सन 1947 में हुआ था, कितने में हुआ था, 19 जून 1947 में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो है इन्हें सन 1981 में क्या हुआ था, बुकर पुरस्कार भी मिला था, ठीक है, क्या मिला था, बुकर पुरस्कार भी मिला था, तो देख लेते हैं इन्हें 1981 में बुकर पुरस्कार भी मिला, इन्हें बुकर पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इनके उपन्यास की, ठीक है, यह ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार निबंधकार भी थे, ठीक है, ब्रिटिश भारतीय जो थे ये कौन से थे, ये ब्रिटिश भारतीय थे, ठीक है, कौन थे, ब्रिटिश भारतीय थे। अगर हम बात करें कि इनके उपन्यासकार की, ठीक है, तो इनका दूसरा उपन्यासकार था ये जो है मिडनाइट चिल्ड्रंस जो है ये कौन था, ये इनका दूसरा उपन्यासकार था, दूसरा उपन्यास, ठीक है, यह इनका कौन सा था, दूसरा उपन्यास था, कौन सा था, दूसरा उपन्यास था, क्या था, मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। इसमें क्वेश्चन दिया है चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है, ठीक है, तो चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है ये सभी को पता होना चाहिए,
सभी को पता होना चाहिए कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। जो बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे, उनको तो जरूर ही पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। ठीक है, तो देखेंगे ये जो स्टेडियम है ये कहाँ स्थित है। तो चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो एक बंगलौर में स्थित है। कहाँ है? बंगलौर। ठीक है, बंगलौर में स्थित है। बंगलौर एक, बंगलौर में एक जो है क्रिकेट जो है वो सॉरी क्रिकेट या चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है वो एक प्रसिद्ध क्रिकेट मैदान, कौन है, प्रसिद्ध क्रिकेट का मैदान है, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्टेडियम बना हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना की, ठीक है, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना की बात करें, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1969 में हुई थी। कितने हुई थी? 1969 में। ठीक है, कब हुई थी? सन 1969 में हुई थी। अगर हम इसमें दर्शक क्षमता की बात करें कि इसमें दर्शक कितने आते हैं, ठीक है, तो दर्शक क्षमता, अगर हम इसके दर्शक क्षमता की बात करें तो इसमें दर्शक क्षमता 35,000, ठीक है, 35,000 तक दर्शक इसमें देख सकते हैं क्रिकेट को। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें प्रथम अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट कब खेला गया, ठीक है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय टेस्ट कब खेला गया था, तो देखेंगे, सॉरी, प्रथम अंतरराष्ट्रीय टेस्ट, ठीक है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय टेस्ट जो है वो कब हुआ था? वे 22 से 27 नवंबर तक, ठीक है, 22 से 27 नवंबर सन 1974 में, ठीक है, सन 1974 में हुआ। अब कह रहा है कि ये तो हुआ था इतने में, ठीक है, अब कह रहा है कि किन के बीच हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें कि किन के बीच हुआ, किन के बीच, भाई टेस्ट तो हुआ पर हुआ किन के बीच, तो ये जो है ये हुआ था भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच। ठीक है, किसके बीच? भारत बनाम वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के बीच, ठीक है, भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। अगर हम बात करें इसके कि इसका अंतिम टेस्ट कब हुआ था, अगर हम अंतिम टेस्ट की बात करें, अंतिम अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट कब हुआ, ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो यह हुआ था 31 अगस्त से 4 सितंबर सन 2012 तक। 31 अगस्त से, अगस्त से 4 सितंबर 2012 तक हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें ये किन किन के बीच हुआ, ठीक है, अगर हम बात करें कि ये किन के बीच हुआ था, तो ये जो हुआ था भारत और न्यूजीलैंड के बीच। ठीक है, बात करें किन के बीच हुआ था, तो ये भारत बनाम न्यूजीलैंड, ठीक है, भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। ठीक है, भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। अगर हम बात करें कि यहां पर प्रथम एक दिवसीय मैच कब हुआ था, ठीक है, बात करें कि प्रथम एक दिवसीय मैच, अगर हम बात करें कि प्रथम एक दिवसीय मैच, एक दिवसीय मैच बात करें, एक दिवसीय मैच, ठीक है, तो एक दिवसीय मैच जो है वो 26 सितंबर को हुआ था, 26 सितंबर सन 1982 में, 26
1982 में। अगर बात करें कि किन के बीच हुआ था, तो भारत बनाम श्रीलंका, ठीक है, भारत बनाम श्रीलंका के बीच, ठीक है, भारत बनाम श्रीलंका के बीच हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें कि अंतिम मैच, ठीक है, अगर हम बात करें अंतिम एक दिवसीय मैच की, ठीक है, तो अंतिम एक दिवसीय मैच क्या हुआ था, तो ये 2 नवंबर सन 2013 में हुआ था। कब हुआ था? 2 नवंबर 2013 में हुआ था। अगर बात करें ये किन के इनके बीच हुआ था, तो यह जो है भारत बनाम सांचा देश आंकड़े, सांचा देश आंकड़े का मतलब समझिए भाई, जो फाइनल में जो टीम पहुंचती है, ठीक है, तो उनमें देखा जाता है कि कौन कौन सी टीम यहां पर भिड़ रही है, ठीक है, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया कामा पाकिस्तान और कामा भारत, ठीक है, इन तीनों के बीच हुआ। कह सकते हैं हम भारत बनाम सांचा देश पाकिस्तान और कामा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सांचा देश आंकड़े ऑस्ट्रेलिया कामा पाकिस्तान पाकड़ी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कामा पाक, इनके बीच हुआ था, ठीक है। तो समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से समझाया, ठीक है। तो इसको सभी को देख लो, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, सभी में आने वाले क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसको याद रखना चाहिए। अगर किसी के बारे में बात आ रही है कि अगर मान लीजिए चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बारे में बात आ गई, ठीक है, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बारे में हमें बताना है, ठीक है, कि एक इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें कितने दर्शक जो है देख सकते हैं, या फिर इसका राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट था वो कब हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच कब हुआ था, तो उसके बारे में हमें सब बताना है, ठीक है। तो आपका लिख दिया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर देखें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा पेपरों में आने वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हग बोसोन, ठीक है, हग बोसोन को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है, हग बोसोन को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है, तो बताएंगे सभी बच्चे, बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा हमारा, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा इसमें, सभी बच्चे बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सभी, तो बताएंगे इसमें ये जो हमारा आंसर रहेगा, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भगवान का अंश हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है, भगवान का अंश हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर हम बात करें कि हग बोसोन, ठीक है, तो हग बोसोन की बात करें तो यह एक मूल कण है, कौन सा है, यह मूल कण है, यह एक मूल कण है, ठीक है, कैसा है, यह एक मूल कण है। अगर हम बात करें कि इसकी प्रथम परिकल्पना के बारे में, ठीक है, इसकी प्रथम परिकल्पना के बारे में बात करें, तो प्रथम, अगर हम इसकी प्रथम परिकल्पना के बारे में बात करें, तो इसकी प्रथम परिकल्पना जो है वो 1964 में दी गई, ठीक है, कब दी गई थी, 1964 में दी गई, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि इसका प्रयोगात्मक यानी कि प्रायोगिक सत्यापन जो था वो कब हुआ था, ठीक है, तो इसका प्रायोगिक सत्यापन जो है, इसका प्रायोगिक सत्यापन की बात करें, तो ये 14 मार्च सन 2013 को किया गया, कब किया गया था, 14 मार्च 2013, ठीक है, 14 मार्च 2013 को किया गया था। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहने वाला है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहां है? भारत में प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहां है? तो इसमें देखेंगे सभी बच्चे, देखेंगे जल्दी से बताएंगे कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है जल्दी से। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता हमारा राइट आंसर रहेगा, कोलकाता हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहां स्थित है? ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा हमारा कोलकाता। ठीक है, अगर हम कोलकाता के बारे में बात करें तो कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, इस कौन से? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत, ठीक है, भारत के पश्चिम बंगाल प्रदेश में पड़ता है। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी संबद्धता क्या है, किसकी? प्रसिद्ध कालेश्वर मंदिर की जो संबद्धता है, अगर इसकी संबद्धता की बात करें तो इसकी संबद्धता कैसी है? हिंदू धर्म की है। ठीक है, कैसी है? हिंदू धर्म की। इसकी हिंदू धर्म की संबद्धता है। अगर इसकी देवता के बारे में बात करें तो आपको पता है यहां पर सीधे सीधे दिया है कि काली मंदिर। ठीक है, तो देवता इसमें कौन थे? तो देवता थे काली, काली माँ। ठीक है, काली माँ का प्रसिद्ध मंदिर है ये। ठीक है, अगर हम बात करें इसके निर्माता की, ठीक है, तो इसके निर्माता कौन थे? अगर हम इसके निर्माता की बात करें, ठीक है, तो इसके निर्माता थे जॉन बाजार की महारानी, जॉन बाजार। ठीक है, जॉन बाजार की, जॉन बाजार की महारानी राममणि। ठीक है, कौन थी? राममणि, महारानी राममणि ने जो है क्या किया था? इसका निर्माण कराया। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका निर्माण कब से शुरू हुआ, ठीक है, तो इसका निर्माण सन 1847 से शुरू हुआ था। ठीक है, निर्माण शुरू हुआ था, कब हुआ था? 1847 से शुरू हुआ था। ठीक है, और इसका जो है निर्माण पूरा कब हुआ था? तो सन 1855। ठीक है, निर्माण पूरा हुआ 1855। ठीक है, सन 1855 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। अगर हम इसकी जगह की बात करें कि ये कितनी जगह में बना हुआ है, अगर जगह की बात करें, जगह की बात करें तो ये कितने, कितनी जगह में बना है? 25 एकड़ में। ठीक है, कितने में है? 25 एकड़ में बना हुआ है ये। ठीक है, कितनी जगह में बना हुआ है? 25 एकड़। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 100 फुट ऊंचाई है इसकी। ठीक है, कितनी है इसकी? 100 फुट ऊंचाई है। अगर हम इसके चौड़ाई की बात करें, ठीक है, तो चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? 46 फुट। ठीक है, 46 फुट चौड़ाई है और इसमें 12 गुंबद। अगर गुंबद की बात करें, यहां ले लो, गुंबद की बात करें तो इसमें कितने हैं? इसमें 12 गुंबद हैं। कितने? 12। ठीक है, 12 गुंबद है। ठीक है, तो पूरा जो है इसका इतिहास आपको लिख दिया है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काली मंदिर का इतिहास जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए लिख दिया है। ठीक है, कोलकाता के बारे में आपको बता दिया है कि कोलकाता कहाँ है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक शहर पड़ता है कोलकाता। ठीक है, जो कि भारत में है। ठीक है, भारत में है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बुलस और बियर्स शब्दावली का इस्तेमाल में किया जाता है, तो यहां पर कौन सा वर्ड आने वाला है? तो
तो कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा इसमें, सभी बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है क्वेश्चन, तो सभी लोग बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिए, शेयर करिएगा वीडियो को एक बार और लाइक भी करिएगा, तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में राइट आंसर रहेगा। अगर हम इसकी बात करें कि इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, बुलस का। ठीक है, बुलस का हिंदी अर्थ, अगर हम इसके हिंदी अर्थ की बात करें तो इसका हिंदी अर्थ जो होता है वो क्या होता है, बैल। ठीक है, क्या होता है, बैल। इसका हिंदी अर्थ होता है बैल। अगर हम बियर्स की बात करें, ठीक है, तो अगर हम बियर्स की बात करें तो बियर्स का हिंदी वर्ड क्या होता है, हिंदी अर्थ। अगर हम इसके हिंदी अर्थ की बात करें तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, भालू। ठीक है, क्या होता है, भालू। अब अगर हम बात करें कि स्कॉट मार्केट एक्सचेंज में, ठीक है, स्कॉट मार्केट एक्सचेंज में इसको क्या कहते हैं, तो अब बात कर लेते हैं स्कॉट मार्केट एक्सचेंज में, एक्सचेंज में बुलस का अर्थ। ठीक है, किसका अर्थ, बुलस का, बुलस का अर्थ। इसमें इसका अर्थ क्या होता है, स्पॉट एक्सचेंज मार्केट में इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है इसमें तेजी। ठीक है, क्या होता है, तेजी, तेजी। अगर हम बात करें बियर्स की, ठीक है, स्पॉट मार्केट में बियर्स की बात करें तो बियर्स जो होती है, बियर्स का अर्थ क्या होता है, अगर हम बियर्स की बात करें तो बियर्स का अर्थ क्या होता है, मंदी। ठीक है, क्या होता है, मंदी। तो बुलस का अर्थ होता है तेजी और बियर्स का अर्थ होता है मंदी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक को एक्सचेंज में करना। ठीक है, पहले इसका अर्थ क्या था और स्टॉक यानी कि स्टॉक एक्सचेंज जब किया था तो उसका अर्थ क्या हो गया। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें। भाई दिया है, क्वेश्चन दिया है, हैरी पॉटर चलचित्र में मुख्य भूमिका निभाने वाला बाल कलाकार का नाम, मुख्य भूमिका निभाने वाला बाल कलाकार का नाम है, तो क्या है राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, तो देखेंगे इसमें जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, डेनियल रेडक्लिफ, डेनियल रेडक्लिफ हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए हैरी पॉटर चलचित्र में मुख्य भूमिका निभाने वाला बाल कलाकार का नाम। ठीक है, तो बाल कलाकार का नाम क्या है, डेनियल रेडक्लिफ। ठीक है, ये राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, तो भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, सभी बच्चे बताएंगे, सभी को पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए, तो सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य, चलो देखेंगे इसमें जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश होगा, इसकी जनसंख्या जो है वो सभी से अधिक है, सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, जनसंख्या, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें, अगर हम यहाँ की जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार, ठीक है, किसने के 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें यहाँ की, तो कितनी हो जाएगी, ₹19,95,00,000। ठीक है, 19,95,00,000, 81,477, 81,477। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 19,95,81,477
77, ठीक है। तो ये जो है यहाँ की जनसंख्या है जो कि सभी से घनी आबादी वाला राज्य है ये, ठीक है। अगर हम बात करें कि सभी से जो कम आबादी वाला राज्य है, ठीक है, तो सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? बात करें सबसे कम आबादी, सबसे कम आबादी वाला राज्य, ठीक है, सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप, ठीक है, कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यहां की जनसंख्या जो है वो कितनी है? 64,429, ठीक है, कितनी है? अगर लक्षद्वीप की जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या 2011 के अनुसार, ठीक है, अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार, तो यहाँ की है 64,429, कितनी है? 64,429, ठीक है, 64,429, ठीक है। और ये जो है, ये जनसंख्या जो है, जो यूपी की जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश की जो संख्या है वो है 16.49% भारत की, ठीक है, 16.49% पूरे भारत में जो है, पूरे भारत का 16.49% जनसंख्या किसमें पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगर हम बात करें कि लक्षद्वीप में कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 0.01%, 0.01% किसमें पाई जाती है? लक्षद्वीप में पाई जाती है, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, बताइएगा कौन सा आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, सभी बच्चे बताएंगे। दिया है गन्नार, सॉरी मन्नार की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है रेगिस्तान में, देखना है कौन सा आने वाला है, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है रेगिस्तान में, तो सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वह क्या है, ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। अगर हम बात करें मन्नार की खाड़ी की, ठीक है, तो यह जो है एक उथले पानी की झील है, ठीक है, क्या है? उथले पानी की झील है, ठीक है, यह एक उथले पानी की झील है। इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो इसकी अधिकतम चौड़ाई कितनी है? अधिकतम चौड़ाई की बात करें, ठीक है, तो इसकी अधिकतम चौड़ाई 130 से 275, ठीक है, 130 से 275 ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, ठीक है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कुल कितनी है? 160 किलोमीटर, ठीक है, कितनी है? 160 किलोमीटर इसकी लंबाई। अगर इसकी गहराई की बात करें इसकी गहराई जो है वो कितनी है? 1335 मीटर, ठीक है, कितनी है? 1335 मीटर इसकी क्या है? गहराई है, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया है, 6 अगस्त 1945 में किस शहर पर परमाणु बम से हमला हुआ? किस शहर पर परमाणु बम से हमला हुआ था 6 अगस्त 1945 में? तो सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें। तो इसमें देखेंगे जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा पर सबसे पहले परमाणु बम से हमला हुआ था। अगर हम बात करें, देखिए ओके, अगर हम इसमें बात करें कि ये जो है
परमाणु हमला जो हुआ था 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, तो यह दुनिया का सबसे पहला परमाणु हमला था। ठीक है, ये जो हमला था यह दुनिया का सबसे पहला परमाणु हमला था, ठीक है, यह सबसे पहला परमाणु हमला था। अगर बात करें कि किसने किया था, ठीक है, किसने किया, अगर बात करें कि यह किया किसने था, तो यह अमेरिका ने किया, ठीक है, किसने किया था यह हमला जो है वो अमेरिका ने किया था। कब किया था वो तो आपको पता है कि 9 अगस्त 1945 में किया था, ठीक है, सॉरी 6 अगस्त 1945 में किया था। अगर हम बात करें कि इसके 3 दिन बाद, ठीक है, तो इसके 3 दिन बाद जो है एक हमला और किया था इसने 9 अगस्त 1945 में, ठीक है। दूसरा हमला जो था, अगर हम बात करें दूसरा हमला जो था वो कब किया था, 9 अगस्त 1945 में, ठीक है, कब किया था, 9 अगस्त 1945 में किया था दूसरा हमला। कहां हुआ था ये जापान के नागासाकी शहर में हुआ था। कहां हुआ, जापान के नागासाकी शहर में, ठीक है, कहां हुआ था, जापान के नागासाकी शहर पे हुआ था। अगर हम बात करें इसमें मरने वालों की संख्या कितनी थी, ठीक है, तो इसमें मरने वालों की संख्या देख लेते हैं, इसमें मरने वालों की संख्या वो थी, वो क्या थी, 1,29,000 से 2,46,000, ठीक है, 1,29,000 से 2,46,000 प्लस थी, ठीक है, 2,46,000 प्लस लोग मारे गए थे, यानी कि इससे भी अधिक मारे गए थे, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं, पिरामिड, ठीक है, तो पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं, तो सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर इसमें कौन सा रहने वाला है, कि पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं। तो इसमें देखेंगे, इसमें जो राइट आंसर रहेगा वह हमारा क्या रहेगा, ठीक है, जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मिस्र में पाए जाते हैं, ठीक है, मिस्र में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि सूडान में, ठीक है, तो सूडान में भी पिरामिड पाए जाते हैं, ठीक है, सूडान देश में भी पिरामिड पाए जाते हैं, ठीक है, ये तो मिस्र देश में तो पाए ही जाते हैं, बट क्या है कि जो पिरामिड है वो सूडान देश में भी पाए जाते हैं, ठीक है, दूसरा जो है सूडान देश में भी पाए जाते हैं, ठीक है, सूडान देश में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, राजघाट कहां पर, राजघाट जो है वो कहां पर है, तो सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, राजघाट जो है वो कहां पर है, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है इसमें, जल्दी से बताएंगे सभी आंसर, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा है, और एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है, शेयर करिएगा वीडियो को, लाइक करिएगा, तो इसमें देखेंगे, ठीक है, इसमें जो राइट आंसर रहेगा हमारा वे क्या रहेगा, ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली हमारा राइट आंसर रहेगा। राजघाट जो है वो कहाँ है, वो दिल्ली में है। अगर हम दिल्ली की बात करें, ठीक है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, ठीक है, दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है, दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, ठीक है। अगर हम बात करें
दिल्ली का इस में वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री अगर हम वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो इस समय कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल। ठीक है, श्री अरविंद केजरीवाल। श्री अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अगर हम यहां की बात करें, राजघाट की बात करें, तो यह जो है यह एक समाधि स्थल है। ठीक है, क्या है? यह एक समाधि स्थल है। किनका है? महात्मा गांधी का। ठीक है, तो राजघाट की बात करें, यह एक महात्मा गांधी का, यह महात्मा गांधी का समाधि स्थल। ठीक है, यह महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। अगर हम बात करें इसका निर्माण कब हुआ था, तो 31 जनवरी सन 1948 में। ठीक है, 31 जनवरी सन 1948 में इनकी हत्या के उपरांत हुआ। निर्माण की बात करें तो 31 जनवरी सन 1948 में। ठीक है, 31 जनवरी 1948 में हत्या के उपरांत। हत्या के उपरांत हुआ था। किनकी हत्या की? गांधी, महात्मा गांधी जी की हत्या के उपरांत हुआ था। अगर हम बात करें कि ये किस जगह बसा हुआ है, तो ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कहां स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी के अंतिम शब्द क्या थे, ठीक है, महात्मा गांधी के अंतिम शब्द के बारे में बात करें, तो महात्मा गांधी के अंतिम शब्द जो थे वो क्या थे? अंतिम शब्द जो थे वो क्या थे? जो उनकी समाधि पे आज भी हैं, ठीक है, जो उनकी समाधि पर आज भी लिखे हुए हैं, तो वो अंतिम शब्द क्या थे? हे राम। ठीक है, क्या थे? हे राम। ठीक है, हे राम, ये इनके अंतिम शब्द थे। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? आपकी स्क्रीन पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। बताएंगे सभी बच्चे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें? सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। क्वेश्चन दिया है, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा है? क्वेश्चन दिया है, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो देखेंगे इसमें जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, गोमती नदी। ठीक है, तो कहां बसा हुआ है? लखनऊ शहर जो है वो किस पे बसा हुआ है? गोमती नदी पे। कहां बसा हुआ है? गोमती नदी पे बसा हुआ है। अगर हम लखनऊ शहर की बात करें, तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है, क्या है? यह उत्तर प्रदेश की राजधानी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। यह क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगर हम बात करें, यह शहर जो है इसे नवाबों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, नवाबों की नगरी, ठीक है, कह सकते हैं इसे नवाबों की नगरी कहते हैं। इसे नवाबों की नगरी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि गोमती नदी के बारे में, ठीक है, अगर हम गोमती नदी के बारे में बात करें, तो ये गोमती नदी कहां से उद्गम हुई है? ठीक है, गोमती नदी के बारे में अब बात कर लेते हैं। गोमती
गोमती नदी के बारे में बात करते हैं, तो गोमती नदी का उद्गम क्या हो, कहां से होता है, ठीक है, इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम जो है वो पीलीभीत जिले के तहसील कली नगर के पास, ठीक है, कली नगर के पास फुलहर झील से होता, ठीक है, पीलीभीत जिले के, पीलीभीत जिले के कली नगर, कलीनगर तहसील, कलीनगर तहसील के फुलहर, ठीक है, फुलहर झील से होता, फुलहर झील से होता, ठीक है, फुलहर झील से होता है। अगर हम बात करें कि इसकी ऊंचाई, ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 200 मीटर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो कितनी है, 200 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अगर हम इसकी लंबाई के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो 900 किलोमीटर, ठीक है, कितनी है, 900 किलोमीटर इसकी लंबाई, ठीक है। और ये मिलती कहां जाके है, यह मिलती कहां है जाके, ठीक है, तो यह बागेश्वर के सरयू में मिलती है, कहां मिलती है, बागेश्वर के सरयू में, ठीक है, बागेश्वर के सरयू में मिलती है जाके, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था, ऑप्शन नंबर, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। तो इसमें देखेंगे भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था, ठीक है, तो इसमें देखेंगे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है, कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगर हम इसके बात करें कि इन्होंने पद कब ग्रहण किया था, तो पद ग्रहण की बात करें, अगर हम इनके पद ग्रहण की बात करें तो बच्चों पद ग्रहण जो है इन्होंने 13 मई 1952 में किया था, कितने में किया था, 13 मई 1952 में, ठीक है, इन्होंने पद ग्रहण कब किया था बच्चों, पद ग्रहण इन्होंने 13 मई 1952 में किया था। और इनके पद त्याग की बात करें तो इन्होंने पद कब त्यागा, अगर इनके पद त्याग की बात करें तो इन्होंने 14 मई 1957 को बच्चों पद त्याग दिया था, कब त्याग दिया था, कब त्याग दिया था, 13 मई 1957 को, ठीक है, 13 मई 1957, ठीक है, 13 मई 1957 को इन्होंने क्या किया, पद त्याग दिया। अगर हम बात करें कि इनके प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, यहां के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति की बात करते हैं, अगर हम प्रथम राष्ट्रपति की बात करें, ठीक है, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर हम बात करें कि प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें, ठीक है, सॉरी वर्तमान उपराष्ट्रपति की बात करें अगर हम, तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, वर्तमान उपराष्ट्रपति, ठीक है, वर्तमान के उपराष्ट्रपति की बात करें तो इसमें वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू, ठीक है, वेंकैया नायडू, ठीक है, वेंकैया नायडू हैं। इन्होंने पद ग्रहण कब किया था, इन्होंने 8 अगस्त 2017 को किया था पद ग्रहण, आठ अगस्त
2017, ठीक है, 8 अगस्त 2017 को इन्होंने क्या किया था, पद ग्रहण किया था। अगर हम बात करें कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करें तो इसमें कौन है, रामनाथ कोविंद, ठीक है, कौन है, रामनाथ कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद जो है इसमें वर्तमान राष्ट्रपति हैं बच्चों, ठीक है। अगर हम बात करें कि इन्होंने पद ग्रहण कब किया था, पद ग्रहण की बात करते हैं इनके, अगर हम इनके पद ग्रहण की बात करें तो बच्चों इन्होंने पद ग्रहण 25 जुलाई 2017 में किया था, कब किया था, 25 जुलाई 2017 में, ठीक है, 25 जुलाई 2017 में इन्होंने पद ग्रहण किया था। वर्तमान समय में ये जो है 14वें राष्ट्रपति हैं, कौन से हैं वर्तमान समय में भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, कौन से हैं, 14वें, राष्ट्रपति, ठीक है, वर्तमान समय में यह भारत के 14वें राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है स्क्रीन पे, एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को एक बार जरूर। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल कौन थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पर प्रथम जनरल की, ठीक है, तो प्रथम जनरल गवर्नर, ठीक है, तो यहां की बात करें तो लॉर्ड लुईस थे, ठीक है, कौन थे, लॉर्ड लुईस, ठीक है, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन थे, जो कि इसमें ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें से कोई सा ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर गलत है, ठीक है। तो इसमें दिया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम, यानी कि स्वतंत्र भारत से पहले, ठीक है, प्रथम जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत से पहले जो थे वो कौन थे, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन थे, कौन थे, लॉर्ड लुईस, बात करें लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन थे। अगर हम बात करें इनका कार्यालय प्रवेश कब हुआ था, ठीक है, अगर हम बात करें इनका कार्यालय प्रवेश कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हुआ था। अगर हम बात करें इनका कार्यालय त्याग कब हुआ था, ठीक है, अगर हम बात करें इनका कार्यालय त्याग कब हुआ था, तो 21 जून 1948 को हुआ था, कब हुआ था, 21 जून 1948 को, ठीक है, इनका कार्यालय त्याग कब हुआ था, 21 जून 1948 को हुआ था, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, मैसूर किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो मैसूर किस लिए प्रसिद्ध है, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, इसमें बताएंगे जल्दी से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, मैसूर किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें देखेंगे इसमें जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो है वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिल्क, ठीक है, सिल्क के लिए मैसूर जो है वो प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें मैसूर की, तो मैसूर एक क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, मैसूर क्या है, मैसूर एक जिला है, कौन से प्रांत का है, ये कर्नाटक का, ठीक है, कर्नाटक भारत, ठीक है, कर्नाटक प्रांत का एक जिला है मैसूर, ठीक है। अगर हम बात करें मैसूर की ऊंचाई की, तो इसकी 770 मीटर ऊंचाई है, ठीक है, कितनी, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 770
70 मीटर, ठीक है 770 मीटर ऊंचाई है। अगर शहर की जनसंख्या की बात करें, इसके मैसूर के शहर की जनसंख्या की बात करें, ठीक है शहर की जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर हम बात करें तो इसकी शहर की जनसंख्या हो जाएगी 920,550, ठीक है 920,550, ठीक है। अगर हम बात करें कि महानगर के, ठीक है महानगर की जनसंख्या की बात करें, महानगर की जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर हम बात करें तो कितनी हो जाएगी 990,900, ठीक है कितनी हो जाएगी 990,900, ठीक है यह जनसंख्या हो जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ की भाषा की, ठीक है अगर भाषा की बात करें बच्चों तो भाषा यहाँ की क्या है कन्नड़, ठीक है कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पर कन्नड़ भाषा बोली जाती है। और यह जो है यह कर्नाटक प्रांत का दूसरा सबसे बड़ा शहर, ठीक है यह जो है मैसूर जो है वो यह कर्नाटक प्रांत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, ये ठीक है यह कर्नाटक प्रांत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है मैसूर, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें, सभी बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन दिया है प्रसिद्ध गोलकोंडा किला कहां पर स्थित है, ठीक है प्रसिद्ध गोलकोंडा किला कहां पर स्थित है, तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें, इसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है जल्दी से बताएंगे, प्रसिद्ध गोलकोंडा किला कहां पर स्थित है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ठीक है राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा हैदराबाद, ठीक है हैदराबाद हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है हैदराबाद हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर हम बात करें प्रसिद्ध गोलकोंडा की, अगर गोलकोंडा के बारे में बात करें, ठीक है तो इसे जो है इसे क्या कहा जाता है, इसे हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है यह जो है गोलकोंडा जो है यह हीरे कामा जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें इसका निर्माण, ठीक है अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है वो वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में कराया था, कब कराया था 14वीं शताब्दी में, वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में कराया, ठीक है 14वीं शताब्दी में कराया था। अगर हम यहां के बात करें कि ये जो है इसमें दरवाजे की संख्याएं, ठीक है तो अगर इसमें दरवाजे की बात करें तो इसमें दरवाजे जो हैं वो कितने हैं 8 दरवाजे, ठीक है कितने हैं 8 दरवाजे हैं, ठीक है यह जो है 1522 में कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में आया था, ठीक है सन 1522 में कुतुबशाही राजाओं के शासन में आया, ठीक है राजाओं के अधिकार में आया। ठीक है अगर हम बात करें, ठीक है ये जो है सन 1687 में जो है वो क्या हुआ था औरंगजेब ने जीता था इसको, ठीक है इसको सन 1687 में किसने जीता था
औरंगजेब ने जीता, ठीक है। ये जो है यह ग्रेनाइट की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। यह ग्रेनाइट की पहाड़ी पर है, ठीक है। यह ग्रेनाइट की पहाड़ी पर है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के स्वतंत्र दिवस का भाषण से लिया जाता है, ठीक है। तो कहां से दिया जाता है भारत के स्वतंत्र दिवस का भाषण जो है वो कहां से दिया जाता है, तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे। राइट आंसर कौन सा रहने वाला है जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। तो इसमें देखेंगे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लाल किला से, ठीक है। लाल किला से भाषण दिए जाते हैं स्वतंत्रता दिवस के, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को पहला जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जो कि कहां मनाया गया था, लाल किला पर, ठीक है, लाल किला पर झंडा फहराया गया था। अगर हम बात करें, ठीक है, दिल्ली के बारे में, तो यह दिल्ली में पाया जाता है, ठीक है। लाल किला जो है वो कहां है स्थित है, कहां स्थित है, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में स्थित है ये। अगर हम बात करें कि स्वतंत्र दिवस की, ठीक है, तो यह एक राष्ट्रीय त्योहार, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस जो है वो क्या है, स्वतंत्रता दिवस जो है ये क्या है, राष्ट्रीय त्योहार, ठीक है, यह एक राष्ट्रीय त्योहार है, ठीक है। अगर हम बात करें लाल किला के बारे में, तो लाल किला का निर्माण जो है वो कब हुआ था, तो लाल किला का निर्माण, ठीक है, अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1638 में शुरू हुआ, ठीक है, कितने हुआ, 1638 से शुरू, इसका निर्माण जो है 1638 से शुरू हुआ था, और इसका तैयार कब हुआ था, 1648 में, ठीक है। तैयार हुआ था 1648 में, ठीक है। यह जो है इसमें 10 वर्ष तक, करीबन 10 वर्ष तक काम चला था इस पर, ठीक है, 10 वर्ष तक काम चला। अगर बात करें कि यह बनवाया किसने था, ठीक है, यह बनवाया किसने था, ठीक है, तो यह जो है मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था, मुगल बादशाह शाहजहां ने, ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। अगर बात करें कि पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था, ठीक है, तो पहली बार तिरंगा जो है तिरंगा कब फहराया गया, लाल किले पर पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था, तो 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। अगर बात करें कि किस प्रधानमंत्री ने फहराया था, ठीक है, किस प्रधानमंत्री ने फहराया था, तो किस प्रधानमंत्री ने फहराया था, तो ये थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, किसने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम जो है लाल किले पर झंडा फहराया था, ठीक है, सन 1947 में, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, पहली बार फहराया था। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है सामान्य विज्ञान का, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है सामान्य विज्ञान में, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सभी को पता होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी स्कर्वी रोग होता है। अगर हम बात करें विटामिन सी के स्रोतों के बारे में, तो इसके स्रोत जो होते हैं वो क्या होते हैं, आंवला, नीम, नींबू, संतरा, ठीक है। स्रोत के बारे में बात करें तो इसके स्रोत क्या होते हैं, नींबू, आंवला, बिही, अमरूद कह सकते हैं, अमरूद, ठीक है, ईटीसी। और भी चीजें होती हैं जितने खट्टे आते हैं वो सभी इसको आते हैं ऑप्शन नंबर यानी कि विटामिन सी में, ठीक है। इसका भी रोग होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बारे में कि ये जो है स्कर्वी यानी कि विटामिन सी जो है वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो विटामिन सी जो है स्कर्वी रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। और ये विटामिन सी जो है वो आपको बता दिया है कि नींबू, आंवला और अमरूदों में पाया जाता है, और बाकी जो और भी खट्टे फल हैं, ठीक है, उनमें भी पाया जाता है। अगर इनके लक्षणों की बात करें, स्कर्वी रोग के लक्षण की बात करें, तो ये लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, अगर इनके लक्षण की बात करें तो बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, कामा कमजोरी, जोड़ों में दर्द, ईटीसी, ठीक है, ये सभी इसके लक्षण होते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लाल रक्त कणों की कमी से कौन सा रोग होता है, लाल रक्त कणों की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, लाल रक्त कणों की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या रहेगा, ठीक है, जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एनीमिया, ठीक है, एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, एनीमिया रोग होता है। यह रोग जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, यह हीमोग्लोबिन, ठीक है, यह हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, यह हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, ठीक है। तो इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, ठीक है, अगर हम हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात करें, हीमोग्लोबिन की मात्रा, ठीक है, अगर हम हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात करें तो 12.0 से 15.5, ठीक है, 12.0 से 15.5 होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, दिया है सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती हैं, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती हैं, तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। तो इसमें देखेंगे, इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ठीक है,
तो देखेंगे राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए 8.3 मिनट, यानी कि 8.4 मिनट में। ठीक है, 8.4 मिनट में जो है वो क्या है, सूर्य से पृथ्वी पर किरणें पहुंचती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, ठीक है, अगर हम बात करें पृथ्वी से सूर्य की दूरी, अगर हम बात करें पृथ्वी से सूर्य की दूरी तो कितनी हो जाएगी, 14,96,00,000। ठीक है, 14,96,00,000, ठीक है, ये हो जाएगी, ठीक है, किलोमीटर 14,96,00,000 किलोमीटर। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिया है, तो सभी बच्चे बताएंगे क्या रहने वाला है आंसर इसका। ठीक है, दिया है निमोनिया शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, निमोनिया रोग जो है वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है। रुक जाइए, क्वेश्चन कुछ रह गए हैं पीछे, एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, देखेंगे। क्वेश्चन दिया है निमोनिया शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, ठीक है, तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है इसमें, कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे। तो देखेंगे इसमें जो हमारा आंसर रहेगा भाई क्या रहेगा, ठीक है, आंसर जो होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फेफड़े। ठीक है, तो निमोनिया जो है वो कौन से शरीर को प्रभावित करती है, कौन से अंग को, तो ये फेफड़े को प्रभावित करती है। ठीक है, कौन से को, फेफड़े को प्रभावित करती है, अगर हम बात करें निमोनिया रोग के, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया कामा वायरस कामा फफूंद के द्वारा होता है। ठीक है, निमोनिया रोग की बात करें तो ये बैक्टीरिया कामा वायरस कामा फफूंद फफूंद द्वारा होता है। ठीक है, इनके द्वारा होता है। अगर हम बात करें इनके लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, इस रोग के लक्षण की बात करें अगर इसके लक्षण की बात करें तो इनके लक्षण होते हैं खांसी है और कामा सीने में दर्द है, बलगम आती है। ठीक है, खांसी कामा सीने में दर्द कामा ईटीसी और भी कई बीमारियां हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो है फेफड़े के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, फेफड़े जो हैं ये क्या है, ठीक है, तो ये एल्पियोली, ठीक है, एल्पियोली नामक पदार्थ के बने हुए होते हैं। ठीक है, किसके, अगला देखते हैं, ये एल्पियोली नामक पदार्थ के बने होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मछली श्वास किससे लेती है, क्वेश्चन सीरीज गलत हो गई, कोई बात नहीं, ये जो 23 के बाद में जो 24वां क्वेश्चन आने वाला था वो आपका 25 के बाद में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन वही है, इधर आ गया है, कोई बात नहीं है, देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है मछली श्वास किससे लेती है। ठीक है, तो मछली श्वास किससे लेती है, तो जल्दी से बताएंगे ऑप्शन क्या रहने वाला है हमारा, जल्दी से, तो मछली जो है वो किसके द्वारा सांस लेती है, गिल, ठीक है, गिल के द्वारा सांस लेती है। ये क्या होता है कि मछली जो होती है वो पानी को मुंह में लेके, ठीक है, और गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और बाकी पानी को बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा सांस लेती है, गिल्स के द्वारा सांस लेती है, गिल के द्वारा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, काली मिर्च होती है, ठीक है, तो काली मिर्च होती है, इनमें से कौन सा पौधा होता है काली मिर्च का? झाड़ी का होता है, साग का होता है, वृक्ष का होता है, बेल का होता है, किसका होता है? जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है इसमें, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो इसमें देखेंगे जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, साग का पौधा होता है, ठीक है। काली मिर्च जो होता है वो क्या का पौधा होता है? साग का पौधा होता है। अगर हम बात करें काली मिर्च के बारे में तो ये पिपली कुल का आता है, ठीक है, काली मिर्च जो है ये पिपली कुल में आती है, पिपली कुल में। अगर हम बात करें काली मिर्च के बारे में तो काली मिर्च जो है पिपली कुल की है, और यह जो है इसका उपयोग जो है वो किसमें किया जाता है? मसाले में, ठीक है, इसका उपयोग जो है वो किसमें किया जाता है? मसाले में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रकाश संश्लेषण के समय अवशोषित गैस होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के समय अवशोषित गैस कौन सी होती है? जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के समय अवशोषित गैस जो होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो इसमें जो होता है कार्बन गैस होती है, ठीक है, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है, और कार्बन हाइड्रोक्साइड भी होती है, ठीक है, तो इसमें कई सारी गैसें पाई जाती हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसकी पहचान के लिए आयोडीन परीक्षण उपयोग करते हैं, किसकी पहचान के लिए आयोडीन परीक्षण उपयोग करते हैं? बताएंगे जल्दी से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है इसमें, कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तो इसमें देखेंगे इस पे जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारा राइट आंसर रहेगा। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बनिक पदार्थ है, कौन सा है? यह एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट जो है एक कार्बनिक पदार्थ है। अगर इसके उदाहरण की बात करें, कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज इसका एक एग्जाम्पल है जिसका सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 ये इसका जो है अणुसूत्र होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है यह कार्बन कामा हाइड्रोजन कामा ऑक्सीजन के होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रोजन में और भी गैसें मिली होती हैं, कार्बन कामा हाइड्रोजन कामा ऑक्सीजन। कार्बन कामा हाइड्रोजन कामा ऑक्सीजन, ठीक है, ये गैसें भी होती हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चार कक्षीय हृदय किसमें नहीं पाया जाता, चार कक्षीय हृदय किसमें नहीं पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है स्तनधारी, दूसरा पक्षी, सर्प और मगरमच्छ। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा रहेगा, बताएंगे सभी लोग राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें। तो इसमें देखेंगे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, सर्प, सर्प हमारा राइट आंसर रहेगा। इसका हृदय जो है वो कैसा होता है? तीन कक्षीय हृदय होता है, ठीक है, कैसा होता है? इसका हृदय तीन कक्षीय होता है, तीन कक्षीय होता है, ठीक है,
इसका हृदय तीन कक्षीय होता है। अगर हम बात करें एक किस वर्ग का है, ठीक है, सांप जो है ये किस वर्ग में आता है, सर्प किस वर्ग में आता है, तो यह सरीसृप वर्ग में आते हैं। ठीक है, कौन से वर्ग में आते हैं, यह सरीसृप। अगर हम इसके मुख्य पहचान की बात देखें, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, रेंगने वाले होते हैं, ठीक है, सरकने वाले जीव होते हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस विटामिन द्वारा घाव ठीक होता है, किस विटामिन द्वारा घाव ठीक होता है, तो इसमें कौन सा राइट आंसर रहेगा, कौन सा राइट आंसर रहेगा इसमें, तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी के द्वारा जो होता है घाव रोग, घाव ठीक होता है जल्दी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एलईडी का पूरा नाम, ठीक है, तो एलईडी का पूरा नाम है, तो एलईडी का पूरा नाम क्या है, जल्दी से बताएंगे, सभी लोग बताएंगे एलईडी का पूरा नाम, तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या रहने वाला है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में बात करें कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको प्रकाश उत्सर्जन डायोड कहते हैं। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जन डायोड हिंदी की बात करें, इसके इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। अगर हम इसके बात करें कि यह जो है यह सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, ठीक है, यह जो है कैसी होती है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर डिवाइस, यह सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सीसीटीवी का पूरा नाम है, सीसीटीवी का पूरा नाम है, तो सीसीटीवी का पूरा नाम क्या है, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है, तो इसमें देखेंगे जो हमारा राइट आंसर रहेगा, जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वह क्या है, ऑप्शन नंबर सी, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ये हमारा। अगर हम बात करें इसके आविष्कार की, ठीक है, तो इसके आविष्कार जो है वो किसने किया था, अगर आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार जो है वो किसने किया था, तो इसका आविष्कार वाल्टर वुर्च ने, ठीक है, किसने किया था, वाल्टर वुर्च ने, कितने में किया था, सन 1942 में किया था। ठीक है, सन 1942 में, ठीक है, सन 1942 में किया था। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मुख्य उपयोगी पदार्थ होते हैं, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मुख्य उपयोगी पदार्थ होते हैं, तो कौन सा होता है, राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सिलिकॉन, सिलिकॉन जो हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर हम बात करें सिलिकॉन के बारे में, तो इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन का उपयोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के लिए सबसे अधिक किया जाता है, इसका उपयोग
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। सबसे ज्यादा किया जाता है सबसे ज्यादा किया जाता है ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है ठीक है, पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है। तो कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है इसमें, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जल्दी से और बताइएगा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें। तो देखेंगे इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, गुरुत्व द्वारा ठीक है, गुरुत्व द्वारा ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर हम बात करें वायुमंडल की तो वायुमंडल के बारे में देखते हैं, वायुमंडल के बारे में देखते हैं। अगर हम बात करें वायुमंडल के बारे में तो वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, वायु विज्ञान कहते हैं। अगर हम बात करें इसके बारे में कि इसकी निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसकी निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऋतु विज्ञान कहते हैं। अध्ययन को ऋतु विज्ञान, ऋतु विज्ञान कहते हैं ठीक है। अगला देख लेते हैं, वायुमंडल में जो है वायुमंडल में 30 मील के अंदर ठीक है, वायुमंडल में 30 मील के अंदर विभिन्न गैसों का मिश्रण होता ठीक है, क्या होता है वायुमंडल में 30 मील के अंदर जो है क्या होता है, विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन कामा कार्बन डाइऑक्साइड कामा ऑर्गन ये सभी गैसें पाई जाती है ठीक है। तो नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो कितनी पाई जाती है, 78% ठीक है, 78% पाई जाती है। अगर बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 20.93% ठीक है, 20.93%। अगर हम बात करें इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड की ठीक है, अगर हम बात करें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% पाई जाती है ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि ऑर्गन ठीक है, तो ऑर्गन जो है वो कितनी पाई जाती है, ऑर्गन के बारे में बात करें तो ऑर्गन 0.93% पाई जाती है ठीक है। तो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखेंगे न्यूटन का गति का प्रथम नियम निम्न को व्यक्त करता, निम्न को व्यक्त करता, तो कौन सा राइट आंसर रहने वाला है इसमें, कौन सा राइट आंसर रहने वाला है जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी से बताएंगे। तो देखेंगे इस पे हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, जड़त्व, जड़त्व हमारा राइट आंसर होगा, जड़त्व हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें कि न्यूटन के प्रथम नियम ठीक है, तो न्यूटन के प्रथम नियम को
इस नियम को, प्रथम नियम को जो है न्यूटन का प्रथम नियम है, इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसे। ठीक है, और यह नियम जो है वो किसके आधार पर है? यह चिरसम्मत के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर है? चिरसम्मत। चिरसम्मत यांत्रिकी, यांत्रिकी के आधार पर। ठीक है, चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं आपके लिए। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो कृपया करके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।